खातून सिर्फ पाँव की जूती नहीं, ये बहुत घटिया सोच है। बल्कि अगर समाज माशरे से या किसी भी शोबे से अगर खातून का हिस्सा निकाल दिया जाए या खातून को हटा दिया जाए तो वो शोबा मुकम्मल नहीं हो सकता। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आज के इस मुशायरे को मुकम्मल करने के लिए, इस मुशायरे में रब्त और बराबरी पैदा करने के लिए किसी खातून, किसी शायरा को आपके हुजूर पेश करूँ। और चूँकि ये हमारा अपना मिजाज है और कि जब शायरा यहाँ पर खड़ी होती है तो हमारा आप जो उससे उम्मीदें लगाते हैं और फिर जो है शायरा भी मजबूर हो जाती है, वो आपको उसी मिजाज की शायरी सुनाते हैं और ये ज़रूरत भी है। अगर नौजवान वो नहीं सुनेंगे तो फिर क्या सुनेंगे। इसीलिए ज़ुबैर अली ताबिश ने कहा था कि वो कोई और मंडी लग रही थी, वो कोई और मंडी लग रही थी। मैं इस वक्त सरजमीन इलाहाबाद लेकर जाना चाहता हूँ आपको कि वो कोई और मंडी लग रही थी, जुलेखा की भी बोली लग रही थी। वो कोई और मंडी लग रही थी, जुलेखा की भी बोली लग रही थी। तुम्हारे लब नहीं चूमे थे जब तक, मुझे हर चीज कड़वी लग रही थी। आइए इस्तकबाल कीजिए सरजमीन इलाहाबाद से तशरीफ लाने वाली एक शायरा मोहतरमा हुमा अक्सीर साहिबा का पुरजोर ताली में इस्तकबाल कीजिए। मोहतरमा से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। खुदा के नाम से जारी कलाम करती हूँ, खुदा के नाम से जारी कलाम करती हूँ। बड़े अदब से मैं सबको सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही अदबी महफिल है। खासतौर से आरिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस लायक समझा कि इतने अच्छे मुशायरे में मुझे आने का मौका मिला। एक मतलब एक शेर इनकी इजाज़त के लिए पढ़ती हूँ कि और कर दूँ जवां मैं भी रंग रात का, और कर दूं जवां मैं भी रंग रात का, एक इशारा जो दो तुम शुरुआत का। क्या बात है। और धड़कने दिल की फिर से उभरने लगे, धड़कने दिल की फिर से उभरने लगे, कर लो वादा अगर तुम मुलाकात का। देखिए तालियां नहीं बजाइए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इतनी बारिश में आ गए हैं, अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, मुझे हौसला मिलेगा। अस में आपने जल्दबाजी कर दी वरना वो आपके लिए भी तालियां बजाते थे। एक तोहफा मुझे ये अता कीजिए, बस एक बार ताली बजा दीजिए। अरे अब तो बजा दीजिए भाई। अपने तारुफ में, हालांकि मैं अपनी तारीफ क्या करूं, मेरी तारीफ तो नादिन साहब कर ही देंगे बीच बीच में, फिर भी मैं चार मिसरे पढ़ती हूँ कि प्यार करती हूँ तुम्हें मैं हो वफा की आदी, प्यार करती हूँ तुम्हें मैं हो वफा की आदी, हाँ परिस्तान से आई हूँ मैं हूँ शहजादी, और मुझको जो चाहे मोहब्बत में बुला लेना तुम, मुझको जो चाहे मोहब्बत में बुला लेना तुम, नाम लिखती हूँ मैं अक्सीर इलाहाबादी, नाम लिखती हूँ मैं अक्सीर इलाहाबादी। जी आता थोड़ा सा लोग बिजी हो गए इसलिए मैं खामोश हो गई थी। नहीं नहीं आप पढ़े पढ़े बिल्कुल सुनेंगे आपको, पढ़िए आप। मेरे यारों ने जो वफा की है, लोगों को अपने दोस्तों से हमेशा शिकायत रहती है कि दोस्त वफादारी नहीं करते हैं, लेकिन मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझसे बहुत वफाएँ की हैं, इसलिए मैंने ये चार मिसरे कहे। मेरे यारों ने जो वफा की है इसमें रहमत मेरे खुदा की है, मेरे यारों ने जो वफा की है इसमें रहमत मेरे खुदा की है, नाज़िक करती हूँ वैसे किस्मत पर मेरे मौला ने जो अता की है, मेरे मौला ने जो अता की है, मेरे मौला ने जो। आप लोग बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, वैसे मैंने आजमगढ़ के बारे में सुन रखा था कि वहाँ लोग मुशायरा सुनने नहीं देखने आते हैं, तो हालांकि आप लोग वैसे नहीं हैं, फिर भी मैं वो चार मिसरे पढ़ देती हूँ कि जो लोग मुशायरा सिर्फ देखने जाते हैं उनके लिए,
कि मुशायरे को ना सिर्फ देखें बल्कि उसको सुना भी जाता है, तब आप लोग अच्छे शेर समझ पाएंगे। हुस्न परियो निगाह मत करना, क्या बात। हुस्न परियो निगाह मत करना, देखो ऐसा गुनाह मत करना। हुस्न परियो निगाह मत करना, देखो ऐसा गुनाह मत करना। तुम लज कर किसी के जुल्फों में, दिल को अपने तबाह मत करना। दिल को अपने तबाह मत करना, दिल को अपने तबाह मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि क्या कहने, वाह 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 वाह। चार मिसरे और पेश करती हूँ। जी जी आता हूँ। डैड्स की भी तवज्जा चाहती हूँ। प्यार ही प्यार की आज बरसात है, प्यार ही प्यार की आज बरसात है, प्यार ही प्यार की आज बरसात है समा दिल नशी क्या हसी रात है। और ईद से मेरे हमदम ये कम तो नहीं, ईद से मेरे हमदम ये कम तो नहीं, तेरी मेरी जो दिलकश मुलाकात है, तेरी मेरी जो दिलकश मुलाकात है। एक गज़ल पेश करना चाहती हूँ वक्त के हिसाब के चलते हुए, जो अभी अभी वाकया मेरे साथ पेश आया। मैं जब यहाँ पहुँची आज़मगढ़ में, तो मुझे बोला गया कि जैसे आप पहुँचेंगी आपके लिए गाड़ी वहाँ पर खड़ी होगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया था। तब मैंने ये मतलब कहा कि वादा किया गया था निभाया नहीं गया, वादा किया गया था निभाया नहीं गया, वादा किया गया था निभाया नहीं गया, हमको बुला के आपसे आया नहीं गया। क्या बात है। और महफिल सजी शहर में थी अहले कलाम की, महफिल। कुछ लोग खड़े हुए तवज्जा नहीं देते हैं, तो कुछ हाजिरीन ग्रामी देखिए, गुजारिश आपसे, मैंने इससे पहले भी कहा था कि शुराए किराम दूरदराज का सफ़र करके हमारे अपने दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, तो ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये मुशायरा बारिश की नज़र हो गया। आपके आपके सामने तो मोहतरमा मोहतरमा जो अपना कलाम पेश कर रही है, मैं चाहता हूँ एक मरतबा पुरजोर तालियों में मौसूफा को तालियां बजाकर इजाज़त दीजिए। मैं ऐसे शेर इसलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे बताया गया है यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं ये शायरियाँ पढ़ रही हूँ और तहत में पढ़ रही हूँ ताकि मेरे शेर को दाद मिल सके। कि महफिल सजी शहर में थी अहले कलाम की, महफिल सजी शहर में थी अहले कलाम की, हम थे गरीब हमको बुलाया नहीं गया। क्या बात। और लौटी गरीब बेटी की बारात इसलिए, लौटी गरीब बेटी की बारात इसलिए, गहनों से उसके तन को सजाया नहीं गया, गहनों से उसके तन को सजाया नहीं गया। और ये शेर देखिए कि उन बेटियों को कैसे बचाओ बढ़ाओगे, उन बेटियों को कैसे बचाओ बढ़ाओगे, जिन बेटियों को दुनिया में लाया नहीं गया, जिन बेटियों को दुनिया में लाया नहीं गया। और दी जिसने रिश्वतों को वो ओहदों को पा गया, दी जिसने रिश्वतों को वो ओहदों को पा गया, जिसमें हुनर था उसको बुलाया नहीं गया, जिसमें हुनर था उसको बुलाया नहीं गया। और जब भी कलम उठाई बनाने के वास्ते, जब भी कलम उठाई बनाने के वास्ते, हमसे इमारतों को गिराया नहीं गया, हमसे इमारतों को गिराया नहीं गया। एक मतलब तीन चार शेर पढ़ के अपनी जगह ले लेती हूँ। जी। तस्वीर की तरह कभी, तहरीर की तरह, क्या बात। रखना संभाल कर मुझे जागीर की तरह। शेर पेशे खिदमत है जी। इस सरजमी पे यारो खुदा की मैं दीन हूँ, इस सरजमी पे यारो खुदा की मैं दीन हूँ, फनकार फिर ना आएगा अक्सीर की तरह, रखना संभाल कर मुझे जागीर की तरह।
पढ़े लिखे लोगों की ये पहचान नहीं हुआ करती। तालियां मत बजाइए, बस वाह कह दीजिए। वो दिल से सुन रहे हैं, आप सुनाए उन्हें। खूनो जिगर दे के शायरी लिखी जाती है और ये शेर बहुत छोटी सी अदना सी शायरा हूँ, छोटी सी कोशिश है जी। इसलिए मैं खुद तस्लीम करती हूँ। माना कि शायरी मेरी बचपन में है अभी, माना कि शायरी मेरी बचपन में है अभी, मैं भी गजल लिखूंगी कभी मीर की तरह, रखना संभाल कर मुझे जागीर की तरह। इतना मौका दीजिए, इंशाल्लाह मीर की तरह एक दिन गजल लिखकर ज़रूर दिखाऊंगी। और एक आखिरी शेर, दुआएं दे लीजिए या बर्दाश्त कर लीजिए, मैं सुना लूँ जी जी। हासिल हुआ मकाम ये दोनों को इश्क में, हासिल हुआ मकाम ये दोनों को इश्क में, मैं हो गई मुरीद तो है पीर की तरह, रखना संभाल कर मुझे जागीर की तरह, रांझे की तरह तुझको अगर मुझसे इश्क है, रांझे की तरह तुझको अगर मुझसे इश्क है, पागल हूँ मैं भी तेरे लिए हीर की तरह, रखना संभाल कर मुझे जागीर की तरह। अलामा शिबली नुमानी साहब का जिक्र चल रहा था, उनके तरफ से चार मिसरे में सुनाना चाहूँगी। ये समझिए मैं नहीं कह रही हूँ, अलामा साहब शिबली साहब कह रहे हैं। मुझे याद रखना भुलाना नहीं, मुझे याद रखना भुलाना नहीं, मुझे याद रखना भुलाना नहीं, मैं हो जाऊँ गुजरा जमाना नहीं। वाह। और मेरा संदेश ये देश वालों से है, मेरा संदेश ये देश वालों से है, मेरा संदेश ये देश वालों से है, सर कटाना मगर सर झुकाना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।